सत श्री अकाल जी सारिआं नूं, मैं मोहिंदर कौर फ्लाई अबरॉड इमीग्रेशन अमृतसर हैड ब्रांच तो अज इत्थे लाइव होई आं। मेरे नाल अज इत्थे एस के शर्मा जिहड़े कि कॉमनवेल्थ कॉलेज विनीपैग मैनीटोबा दे विच रिप्रेजेंट कर रहे ने स्टूडेंट्स नूं, ओह मेरे नाल अज इत्थे मेरे ऑफिस आए होए ने। ते अज असीं डिस्कस करांगे कॉलेज नूं लैके, प्रोग्राम नूं लैके, इनटेक नूं लैके, फीस स्ट्रक्चर नूं लैके, ते बहुत सारीआं गल्लां इत्थे असीं डिस्कस करांगे। काफ़ी टाइम हो गया सीगा कॉलेज को लैके इनफॉर्मेशन देने विच, ते अज न्यू कॉलेज जिहड़ा वा मेरे कोल अज आया हैगा, इस दे विच असीं सारीआं डिटेल्स जिहड़ियां ने ब्रीफली इत्थे तुहानूं इनफॉर्मेशन देन जा रहे हां, ते तुसीं सारे एक नज़र मारियो, ते जदों भी वीडियो तुहाडे तक पहुँचेगी उदों तुसीं सपोर्ट करनी आ अपने फ्रेंड्स नूं, अपने रिलेटिव्स नूं, जिथे भी कोई तुहाडा स्टूडेंट विनीपैग दे विच अप्लाई करना चाहुंदा। ते फीस बहुत ज़्यादा लो हैगी आ, ते बहुत ज़्यादा जिहड़ी आ इनफॉर्मेटिव वीडियो होण जा रही आ, ते तुसीं जिन्हां ने भी अप्लाई करना विनीपैग दे विच उन्हां नूं इस वीडियो नूं तुसीं शेयर कर सकते हो। आओ आपां इत्थे इक नज़र मारीए, एस के शर्मा जी मेरे नाल बैठे ने, ते इन्हां दे जुबानी आपां गल्लां जिहड़ियां सुणीए इस कॉलेज दे बारे। सत श्री अकाल मैम, सत श्री अकाल व्यूअर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड इवनिंग टू ऑल, एंड थैंक यू मोहिंदर मैम एंड फ्लाई अबरॉड टीम फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे हम विनीपैग और कॉमनवेल्थ कॉलेज के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे हम सबको पता है विनीपैग एक प्रेफर्ड लोकेशन बनती जा रही है स्टूडेंट्स के लिए, खासकर अगर हम कैनेडा की बात करें, वो स्टूडेंट्स जो एक अपना सक्सेसफुल करियर देख रहे हैं कैनेडा में और चाहते हैं कि वो एक अच्छी अर्निंग्स भी करें, सेटल भी हो पाए, तो विनीपैग एक ऐसी लोकेशन है। कॉमनवेल्थ कॉलेज में क्या बेनिफिट्स हैं, क्या प्रोग्राम्स हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, उसके बारे में हम फर्दर डिस्कस करेंगे। जी मैम, सर जी बताना ये कौन से इंटेक्स होंगे इस कॉलेज के और बैंड रिक्वायरमेंट्स क्या होगी, एकेडमिक्स रिक्वायरमेंट्स क्या होंगे। राइट, सो फ्रेंड्स अगर हम कॉमनवेल्थ कॉलेज की बात करें, जैसे कि मैंने बताया दिस इज इन विनीपैग मैनीटोबा। नॉर्मली स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत होती है विनीपैग में एडमिशन के लिए, और जितना मैंने मार्केट से फीडबैक लिया है स्टूडेंट्स को घर बार महीना महीना भी लग जाता है ऑफर लेटर्स के लिए। सो हम लोग आपको एक दिन में ऑफर लेटर देते हैं और अभी हम कंफर्म्ड आपको मई 2022 इंटेक के लिए एडमिशन्स दे पाएंगे। इसके लिए मैम हम तीन प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। इंटेक हम मई ले रहे हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज वेरी फ्लेक्सिबल, दैट इज 6 ओवरऑल विद 5.5, बट इट्स माई रिकमेंडेशन की 6 ओवरऑल जिसके स्टूडेंट्स के बैंड्स हैं एंड 6 ईच हैं, अगर वो अप्लाई करते हैं आज की डेट में उनका एक अच्छा सक्सेस रेट है। बट एट द सेम टाइम अभी पिछले कुछ 2 हफ्तों से पीटी वाले स्टूडेंट्स का भी बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, उनका भी बहुत जल्दी वीजाज आ रहे हैं। सो पीटी स्टूडेंट्स एटलीस्ट 53 या 54 स्कोर पे अगर अप्लाई करेंगे तो दैट वुड बी ग्रेट। ओके, और टोफल एक्सेप्टेड होगी इस कॉलेज में? हाँ जी मैम, टोफल भी एक्सेप्टेड है, होम बेस्ड एडिशन जिसके लिए हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट रहने वाली है 80। और एकेडमिक्स में कितने परसेंटेज का रिक्वायरमेंट? मैम अगर आईएस में स्कोर अच्छा है तो वी कैन एक्सेप्ट स्टूडेंट विद 50-55 एकेडमिक्स, और अगर आईएस का स्कोर किसी मॉड्यूल में 5.5 है तो उस केस में स्टूडेंट्स के एटलीस्ट 60% स्कोर होना चाहिए। एप्लीकेशन फी यहाँ पर वेवर चल रहा है, यानी क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं कि जिसमें एप्लीकेशन फी वेवर है, तो आपका कॉलेज हमें फी वेवर दे रहा है? जी मैम बिल्कुल, जैसे आपने बोला बहुत से कॉलेजेस एप्लीकेशन फी वेवर दे रहे हैं, तो यस वी आर ऑल्सो वेविंग ऑफ द एप्लीकेशन फी। अगर आप अभी मेन टेक के लिए अप्लाई करते हैं तो एज सच कोई एप्लीकेशन फी नहीं लगेगी आपको। अगर उसका अप्लाई टेक करना होता है सर, मैम वो डिपेंड करेगा कैसा सक्सेस रेट रहता है, कितने स्टूडेंट्स एनरोल करते हैं, बट एज ऑन डेट द एप्लीकेशन फी इज नॉट एप्लीकेबल। एंड हम सबको पता है, अगेन आई एम रिपीटिंग, कि विनीपैग में एडमिशंस के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल रहती है स्टूडेंट्स के लिए और एजेंट्स के लिए, सो दैट मींस वी आर ऑफरिंग मेन इनटेक। ओके, कौन से स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं जो वो एलिजिबल होंगे और कौन से प्रोग्राम्स होंगे इस कॉलेज में? राइट, या तो मैम अभी हम तीन प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं विनीपैग में कॉमनवेल्थ कॉलेज में, जिसमें कि आर्ट्स कॉमर्स के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। एक तो प्रोग्राम है जो एवरग्रीन प्रोग्राम है, दैट इज कल्नरी आर्ट्स, 2 साल का प्रोग्राम है, एंड उसके साथ में हम दूसरा प्रोग्राम दे रहे हैं जो कि एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है फिर टॉक अबाउट करियर वाइज, स्पेशली गर्ल्स या लेडीज के लिए, जिसको हम एस्थेटिक्स के नाम से ऑफर कर रहे हैं। इसमें स्टूडेंट्स आपका नेल आर्ट हो गया, आपका मेकअप हो गया, हेयर स्टाइलिंग हो गया, इससे रिलेटेड स्टडी करेंगे। एंड थर्ड जो हम प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं दैट इज लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट डिप्लोमा, वो प्रोग्राम मैम हम पीजी और यूजी लेवल दोनों पे ऑफर कर रहे हैं। एंड इस प्रोग्राम में हमारे बहुत अच्छे वीजा आए हैं 53-54 पीटी पे ग्रेजुएट बच्चों के भी। सो दीज आर द 3 प्रोग्राम्स।
आर्ट्स कॉमर्स नॉन मेडिकल के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं एंड जो मेडिकल के बच्चे उनके लिए स्टैटिक्स का प्रोग्राम भी है बिकॉज इसमें सुनिया के बहुत सारे स्टूडेंट्स इस तरह के होंगे ने लड़कियां भी खास करके जिन्हों ने किसी भी सैलून तो या किसी ने कोई अकेडमी चो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस या कुछ भी स्किन दे विच कुछ उन्होंने कोर्सेज किए होंगे ओरेन तो किए होंगे इस तरह के कुछ स्टूडेंट्स है जिन्होंने एडमिशन नहीं मिल पाते प्रोग्राम नहीं मिल पाता तो उन्होंने बच्चों वास्ते बड़ा अच्छा प्रोग्राम है इस कॉलेज के इस अपलाई कर सकते हो और इतने आप एक गल जान ली है हम सभी को पता है मेनली कैनेडा में जो फीमेल्स हैं लड़कियां या जो स्पाउस वीजा पे वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं वो लोग इस टाइप का जो भी ये सैलून से रिलेटेड काम है पार्ट टाइम बहुत अच्छा करते हैं और उसमें बहुत अच्छी अर्निंग्स होती है उनके लिए बिल्कुल जैसा कि मेरी डॉटर उठे है कि मैं खुद देखा है वो कहती मम्मा 100-150 डॉलर जेड़े ने हेयर कटिंग दे लग जाते हैं थ्रेडिंग दे ने लग जाते हैं इस तरह की लड़कियां जिन्होंने इतने इंडिया के प्लस टू करने तो बाद एक दो साल का कोई भी नाने सा प्रोग्राम लिया होया वा तो उसके बच्चे एलीजिबल होंगे तो वीजा चांसिस भी इतने उन्होंने हाई होंगे क्योंकि बिल्कुल हटके कोर्स है क्योंकि बिजनेस मैनेजमेंट IT वगैरह ये बच्चे सारे कॉमन सी चीज़ा ने जिदे जिस जब इस तरह के प्रोग्राम अलग जो हटके आते हैं वो वीजा चांसिस भी हाई होंगे क्योंकि हाई कमीशन लगता है कि बहुत हटके प्रोग्राम और बच्चा इंटरस्टिड है वा तो ये बच्चे ने इंडिया के भी यह प्रोग्राम जोड़ा है होया वो फर्दर भी इंटरस्टिड है तो इंटरनेशनल लैवल के उत्ते प्रोग्राम कर जा रहा वा तो वीजा उसको जोड़ा वा 100% चांसिस जोड़े हो जाते हैं और सर इसमें आप बताओगे कि एक्सपीरियंस के बाद में कितने साल का जो है वो गैप एक्सेप्ट होगा यहाँ पे प्लस टू के बाद ग्रेजुएशन मैम अगर हम गैप या उसकी बात करें कितना एक्सेप्टेबल होगा सो आई थिंक मेरे से ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस है इस चीज में सो जितना भी गैप बच्चे का वेरीफाइएबल है जिसमें वो जनरली बता सकता है कि उसने क्या किया है दैट कैन बी 3 years, 4 years, 5 years ऑल्सो एंड जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है कि उतने गैप के साथ वीजा हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं एज अ कॉलेज वी आर ओके विद दैट बच्चों के एडमिशन के लिए मैथ्स की रिक्वायरमेंट होती है इवन बिजनेस मैनेजमेंट या किसी भी प्रोग्राम के लिए सो अगेन हम लोग बात कर रहे हैं विनीपेग की जहाँ पे कि हम आपको एक दिन में ऑफर लेटर देंगे एज सच मैथ्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अगर आपका 3, 4 या 5 साल का गैप है दैट इज़ ओके बच्चा स्टेट बोर्ड ओपन बोर्ड प्राइवेट बोर्ड CBSE बोर्ड किसी भी बोर्ड का है दैट इज़ एक्सेप्टेबल स्टूडेंट के पास 3 चीज़ें होनी चाहिए उसका आई स्कोर अच्छा होना चाहिए PT होनी चाहिए अकेडमिक्स में परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए एंड उसके पास जस्टिफाइड गैप के बारे में प्रूफ होना चाहिए ठीक है सर मुझे यहाँ पर PR से रिलेटेड कुछ यहाँ पे आपसे डिस्कशन करनी है वो भी लाइव होकर वैसी चीजें आप ऑफिशियली नहीं करोगे यहाँ पे बात लेकिन मैं कुछ डिस्कशन करना चाहती हूँ जैसे कि बहुत सारे लोग हमारे साथ यहाँ पे जैसे जुड़े होते हैं वो हमारी वीडियोस देखते हैं तो थोड़ा सा उनको आइडिया मिल सकता है तो अगर आपकी हद में ये है तो ये चीज़ प्लीज यहाँ पे बताना कि PR के चांसेस क्या होंगे जो कि कॉलेज यूनिवर्सिटी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है सो आई एम आउट ऑफ ट्रैक एट दिस स्टेज तो प्लीज आप मेरे बताओ ओके सो मैम जैसे आपने खुद बोला कि PR के बारे में बीइंग अ कॉलेज रिप्रेजेंटेटिव हम बहुत ज़्यादा बात नहीं कर सकते वी आर नॉट ऑथराइज्ड टू एडवाइस ऑन इमिग्रेशन बट ये सभी को बताया ऑलरेडी जो लोग कनाडा में हैं कि मैनिटोबा में PNP के थ्रू आपकी सेटलमेंट बहुत ईजी है अगर किसी भी स्टूडेंट ने एक साल की पढ़ाई भी की है जितना मेरी इंफॉर्मेशन है जितना मैंने रिसर्च किया है नेट पे एक साल की स्टडी के बाद अगर आपके पास मिनिमम 6 months का एक्सपीरियंस भी है तो आप PNP के लिए एलिजिबल होते हो मॉड्यूल में सो प्रैक्टिकली बच्चा 1.5 साल के बाद PNP के थ्रू क्वालिफाई कर जाता है विद 5 bands ओवरऑल इन GP एंड उसके बाद वो 2 से 3 महीने में वहाँ सेटल हो पाता है एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट जो है इमिग्रेशन की उसके ऊपर मिल जाएगा कि मैनिटोबा में PNP की क्या रिक्वायरमेंट्स है सर अभी एक सवाल रह गया मेरा जैसे कि फीस को लेकर के बहुत सारे ऐसे मिडिल क्लास फैमिलीज के स्टूडेंट्स होते हैं जो फीस अफोर्ड नहीं कर पाते और कनाडा में मतलब 12 से 16 हज़ार डॉलर की फीस होती है जैसे कि 8.5-9.5 लाख तक फीस चले जाती है तो इस कॉलेज में फीस कितनी रहेगी मैम अगर हम देखें लास्ट 2 ईयर से सभी लोग कोविड से
स्ट्रगल कर रहे हैं इस टाइम पे, सबकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी थोड़ी बहुत गिरी हुई है. सो दैट वेज हम लोग एक बहुत रीजनेबल फी ऑफर कर रहे हैं. जैसे मैंने कलनरी आर्ट्स प्रोग्राम की बात की, जो कि हमारा 2 साल का प्रोग्राम है, उसकी फुल कोर्स ड्यूरेशन की फीस है $16,000 2 साल के लिए. अगर आप विनीपेग में जो भी अगर वहाँ पे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे चेक करेंगे, $16,000 से $19,000 उनकी 1 साल की फीस होती है, जहाँ की हम 2 साल की $16,000 ऑफर करते हैं. $8,000 फीस है जी, वो बच्चे की 1 साल की जी ली जाएगी, तो 2 साल की फीस $16,000 है. जिन्हें 8,000 अगर तुम 60 ना मल्टीप्लाई करते हो तो 4,80,000 रुपया जरा सिर्फ थोड़ी नॉर्मल जी फीस हैगी. अदरवाइज 8.5-9 लाख तो घट फीस कित नहीं होंगी है. वीजा चांसिज हाई ने विनीपेग के होने करके इस कॉलेज के प्रोग्राम्स अच्छे ने जो कि अट्रैक्ट करेंगे हाई कमीशन में वीजा देने वास्ते. और इस तरह के बहुत सारिया बेनीफिट्स ने, PR के चांसिज हाई ने और वीजा चांसिज भी जिमें कि हाई ने. और बैंड रिक्वायरमेंट भी अच्छी है, 1.5% अप्लाई कर सकते हो, बट अगर 100% ही वीजा चाहते हो फिर तुम 6 ही इतने जो लेने होंगे. और एवरी मंथ इंटेक है मेरे ख्याल से because we are in the March beginning, so अभी हम लोग मई इंटेक ऑफर कर रहे हैं, उसके बाद मई के बाद हमारा जुलाई इंटेक भी है. सो इंटेक इज नॉट अ प्रॉब्लम इफ स्टूडेंट इज मीटिंग द एंट्री रिक्वायरमेंट्स. और ऑफर लेटर कितने टाइम चलता है? ऑफर लेटर मैम जैसे अभी बार बार मैं विनीपेग के ऊपर आ रहा हूँ, जितना मैंने मार्केट में फीडबैक किया है, जनरली स्टूडेंट्स को 1 या 2 महीने लग जाते हैं ऑफर लेटर विनीपेग से लेने में, इतने में बच्चों का इंटेक निकल जाता है, उसके बाद उन्होंने फीस पे करनी है, एलओए देना है. So, हम लोग आपको within 24 working hours offer letter issue कर देते हैं. जेड़े भी बच्चे विनीपेग जाना चाहते हैं, कई relatives उत्थे ने उत्थे दी सेटलमेंट सोचते हैं, बट उन्होंने तो एडमिशन नहीं हो पाती, इन्होंने इंटेक्स निकल जाते हैं गवर्नमेंट कॉलेज के चक्कर में, यूनिवर्सिटी के चक्कर में, प्राइवेट कॉलेज जो भी है, बट इस एडमिशन जी बहुत ईजीली हो जानी है. तो एक दिन के जी ऑफर लैटर भी मिल जानी है और डिजायर जी है सिटी हैगी है तो उत्थे एडमिशन हो रही है. तो मैं नहीं लगता है कि विनीपेग जो बच्चे जाना चाहते हैं उन्होंने वास्ते इस तो कोई बैटर ऑपरचुनिटी हो सकती है. तो फीस इतने वेवर हैगी है, भी थोड़ा प्लस पॉइंट हैगा. एडमिशन हर तरह के स्ट्रीम के बच्चों की हो रही है, वीजा चांसिज हाई ने, PR चांसिज हाई ने, इस तरह के बहुत सारी चीज़ा जड़िया इतने बच्चों में मिल रही ने. इसके अलावा सर और कौन सी चीज़ें जो अट्रैक्ट करेगी हमारे स्टूडेंट्स को इसी कॉलेज में एडमिशन करें? यस मैम, जैसे कि हम सबको बताए कि कैनेडा में बहुत बैकलॉग है, जो कि अभी बहुत हद तक उन्होंने कवर अप कर लिया, बट स्टिल देयर इज अ बैकलॉग. सो फ्यूचर में आई पर्सनली फील ऐसी लोकेशंस पे वीजा सक्सेस रेट अच्छा होने वाला है, जो कि थोड़ा सा एक रीजनल एरिया या ऐसी जगह कह लीजिए जहाँ पे पॉपुलेशन कम है. सो विनीपेग एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे आपको सेटलमेंट भी मिलती है बिकॉज ऑफ लेस कॉम्पिटिशन, आपकी अर्निंग्स भी अच्छी हैं. और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मैम, विनीपेग में कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत कम है. अगर आप एक अपार्टमेंट की बात कर लीजिए या नॉर्मली जैसे बच्चे जाते हैं कैनेडा में गाड़ी ले लेते हैं, इंश्योरेंस की बात कर लीजिए, अगर बच्चे को ऑन्टारियो या BC में गाड़ी का इंश्योरेंस $700-800 में पड़ता है, तो यहाँ पे वो उनका एक गाड़ी का इंश्योरेंस $150-200 में हो जाता है. अगर लिविंग कॉस्ट वहाँ पे बच्चे की $1,000-1,200 पर मंथ है, विनीपेग में कंफर्म वो $400-500 में अपना मंथ बड़े आराम से मैनेज कर देता है. सो दिस इज अगेन अ वेरी गुड बेनिफिट. जिस तरह के सर ने कहा कि रीजनल एरिया दे विच वीजा चांसेस भी हाई होंदे ने, इहदे विच मैं कुछ ब्रीफली कुछ 2-3 पॉइंट्स मेरे दिमाग च चल रहे हो मैं इत्थे दसना चाहवांगी. वैसे सानू गल करनी नहीं चाहिए क्योंकि बीइंग अ कंसल्टेंट, बीइंग अ बिजनेस वूमन, समझ लो कि हर इंसान बिजनेस करने लिए बैठा वा, ते चीज़ां कोई बंदा गल नहीं करता, बट लॉकडाउन के दौरान और उस तो बाद जिहड़ा वा बहुत ज़्यादा फाइल्स जिहड़े स्ट्रक हो गई सीगियां, बहुत ज़्यादा जिहड़ा वर्कलोड वध गया सीगा. और एक कोटा होंदा हर एक कंट्री दा, उन्होंने एक कोटे के हिसाब नाल स्टूडेंट्स वीजाज देने होंगे ने, जिहड़ा कि कोटा ऑलरेडी पूरा हो चुका वा. आप इंडिया की गल करिए तो तुम सुनिया ही होगा, देखे ही होगा, बीइंग अ कंसल्टेंट इतने मैं डिस्कलोज कर जा रही हाँ कि बहुत ज़्यादा हाई रिफ्यूजल जिहड़ियां ने वो आईया ने स्टूडेंट्स दिया, बट अगर वो रीजनल एरिया दे विच एहो जे हालातों में अगर वो अप्लाई करते हैं तो वाकई वो कैनेडा दे विच एंट्री लेना चाहते हैं तो रीजनल एरिया वाल ही जिहड़ा वा अपना रुझाव करन उधर नूं ध्यान देन, जिहदे विच कि उन्हां दा वीजा जिहड़ा वा वो गारंटिड उन्हां नूं मिल सकता हैगा. बहुत सारे स्टूडेंट्स साडे कोल आंदे काउंसलिंग लैण लई ऑस्ट्रेलिया, वो जाना नहीं चाहते तो सिर्फ उन्होंने डिजायर कंट्री उन्होंने होंगी कि असं कैनेडा में ही जाना वा. तो यहोजे बच्चों इतने मैं रेकमेंड करा कि वो रीजनल एरिया दे विच अपनी एडमिशन करवा, जिवें कि हुण सर मेरे को आए ने विनीपेग नूं लैके, इत्थे इन्हां दा कॉलेज हैगा, इहदे विच एडमिशन कराओ तां कि तुहाडा वीजा चांसिस है जिहड़ा डबल हो जाए, 100 की जगह 200% तुहाडा चांसिस जिहड़ा वीजे दा हो जाए. तुसीं बाद विच उत्थों मूव हो सकदे हो 1-2 साल अपनी स्टडी करन तो बाद, बट एटलीस्ट एंट्री ते मिल जाएगी कैनेडा दी, जो कि फिलहाल जिहड़ा करंट सिनारियो हैगा वा उस तरह दा चल रहा
के थोड़े से वीजा रिफ्यूजल जेडियां ने और खाई जा रही ने। मैम जैसे आपको भी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, आपने बहुत सारे बच्चे भेजे हुए हैं कनाडा ऑस्ट्रेलिया बाकी कंट्रीज में, सो हमने जो देखा है नॉर्मली बच्चे बीसीए हम डायरेक्ट की तरफ जा रहे हैं तो ऑलमोस्ट वो दो साल पहले पढ़ाई करते हैं, फिर एक दो साल वर्क एक्सपीरियंस लेते हैं, उसके बाद वो लोग रीजनल एरिया मूव कर होते हैं, मेबी सस्कैटून हो गया, अल्बर्टा हो गया, विनीपेग हो गया, वहाँ पे फिर वो एक साल लगाते हैं तब वो जाके सेटल हो पाते हैं। तो मैं बच्चों को ये गाइड करना चाहता हूँ कि आप पहले विनीपेग जैसी लोकेशन पे जाइए, वहाँ पे आप साल डेढ़ साल लगाइए, सेटल हो जाइए, उसके बाद पूरा कनाडा आपका जहाँ मर्जी मूव कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करने जा रही हूँ। मेरा खुद का भांजा जेड़ा के मुंबई दे विच मेरे सिस्टर सेटल ने, इतने पर्सनल गल मैं करन जा रही हूँ तुहाडे नाल, उन्होंने 7 to 8 साल हो गए थे, हूँ जाके उसकी पीआर हुई है, बस इसे चक्कर में कभी ओंटारियो कभी बहुत डिले होंगी नहीं, फिर जाके जी विनीपेग के जाके उसकी पीआर हुई है। तो जे लोग नॉलेज होंगी जे स्टूडेंट्स वो पहला ही सोच लेंगे कि असं जाना कितने है, वह सा पीआर कितने होनी है। कईयों नहीं होंगे कि वधिया सिटी सुटी हो, टोरोंटो चल जाने, उधर चल जाने, इधर चल जाने, बट बाद उन्होंने जाके किसी न किसी रीजनल एरिए मूव करना पैदा वा, तो टाइम जरा सिक्योर कर सकते हो, सेव कर सकते हो, तो तुम हम ही प्लैनिंग करके चलो कि असं यहोजी जगह पर ही जाना है, यह थोड़ा प्लस पॉइंट होएगा। बट बीइंग अ कंसल्टेंट असं हर तरह की सिटीज, हर तरह के कॉलेज, हर तरह की असं जी काउंसलिंग दे दी है, बट अगर बच्चा सियाना है वह तो खुद चूज करेगा, खुद रिसर्च करेगा कि उन्हें पी आर जल्दी कितने होनी है। तो मेरे अकॉर्डिंग बहुत अच्छा कॉलेज हैगा वा, जिस तरह के इन्होंने रिक्वायरमेंट्स दसिया ने सू, फीस स्ट्रक्चर जो है बहुत लो है, बहुत घट फीस जा रही है, पी आर के चांसिस हाई ने, मेरे ख्याल 1 to 1.5 to 2 साल के बच्चा सैटल हो जाएगा, तो बच्चे को ज़्यादा धक्के नहीं खाने पैने, तो मेरे अकॉर्डिंग बहुत अच्छा कॉलेज है। तो जेडे भी बच्चे ने इस कॉलेज का तो रिसर्च करो, ये बारे सारा कुछ जाो, और फिर भी कोई इनफॉर्मेशन इस वीडियो के रह गई है तुम मैं कॉल करके भी जरा वो मेरे तो इनफॉर्मेशन ले सकते हो, तो अपॉइंटमेंट बुक करके मेरे ऑफिस विजिट करके मेरे स्टाफ को भी मिल सकते हो, तो मैं मिलना चाहते हो तो मैं भी तुम मिल सकते हो, थले नंबर इतने डिस्प्ले हो रहे होंगे, तुम उसे कॉल कर सकते हो, तो कोई चीज़ होर इतने रह गई हो असं कोई ट्राई करते हैं, सर ट्राई करते हैं तो कुछ दसन जाए, फिर भी कोई रह जाए तो प्लीज़ तुम कॉल करके मैं तो पूछूँ। I think guys we have discussed all the things, entry requirements, programs, fee structure, intake, एप्लीकेशन की ऑफर लेटर कितने दिनों में आएगा, सो द ओनली थिंग इज आपको अप्रोच करना है फ्लाई अब्रॉड मंदिर मैम से मिलना है, बिकॉज आप सबको पता है दे आर अ वेरी गुड नेम इन द मार्केट इन ओवरसीज एजुकेशन, इनका ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है और इन्होंने शायद हज़ारों बच्चे बाहर भेजे हुए हैं, सो इट्स नॉट ओनली अबाउट चूजिंग अ राइट डेस्टिनेशन, इट्स ऑल्सो चूजिंग अबाउट अ राइट कंसल्टेंट, सो अगर आप सही जगह पर और सही कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली आपका वीजा सक्सेस रेट बहुत अच्छा रहेगा। सो आई रिकमेंड यू ऑल जो भी यूएस देख रहे हैं कि अगर आप प्लान कर रहे हो कनाडा विनीपेग के लिए, सो यू मस्ट विजिट फ्लाई अब्रॉड वंस। चाहते चाहते बस एक बार फिर तारीफ करनी चाहूंगी इस कॉलेज की, इस प्रोग्राम को लेकर जिस दे विच एस्थेटिक्स देख सकते हो तुसी इत्थे, जिस दे विच के तुहानू बड़ी अच्छी जड़ी हैगी आ, तुहानू प्रोग्राम मिल रहा हैगा जिस दे विच तुसी लखां दे विच कमाई कर सकते हो, जिहड़ा कि बंदा सोच ही नहीं सकता हैगा वा, किसी होर प्रोग्राम के जब तुम करते तो बहुत स्ट्रगल करना पैदा, बट अगर तुम अपना सैलून खोल लेते हो अगर प्रोग्राम कर गए तो मैं लगता है कि मंथली तुम बहुत नहीं तो 10 to 12 lakh rupees मंथली थोड़ी इनकम होएगी, तो मैं इतने कुड़ियों को रेकमेंड करा इस कॉलेज के अपलाई कर इस प्रोग्राम लैके खास करके।